बाबा इस समय दो विंग्स है, एक स्पार्क वाले आए हैं और दूसरा साइंस इंजीनियरिंग विंग है। अच्छा, मीटिंग्स तो आप लोग करते रहते हो और अच्छा ओमा गुस्सा से करते हो, ये बाप दादा देखता और सुनता भी रहता है। धारणा के प्लान भी बनाते रहते हो, बाप दादा ने समाचार सुना। सभी अपने स्वोन्नति और सेवा में प्लान नए नए भी बनाते रहते। अभी यही लक्ष्य रखना है कि दुनिया वालों को अभी दिलासा देने की आवश्यकता। वो बेचारे सरकमस्टेंस को देख भयभूत हो रहे, डर फैल रहा है। तो ऐसे समय पर आपको विशेष तो सारी आत्माएं आपकी है, लेकिन विशेष आप अपने वर्ग को दिलासा दिलाओ कि आप अगर मेडिटेशन का कोर्स करेंगे तो आपका ये डर व टेंशन समाप्त हो जाएगा। और ज्ञान नहीं दो पहले, लेकिन मेडिटेशन करो और कराओ, उसका निमंत्रण दो, टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव करने का प्रोग्राम ज्यादा करो, करते हो लेकिन अभी ज्यादा करो। उन्हों को अध्यात्मक शक्ति का अनुभव कराओ, सिर्फ भाषण नहीं लेकिन अनुभव कराओ, भले छोटे छोटे ग्रुप को कराओ, बड़े ग्रुप को कराओ, लेकिन अनुभव कराओ। अनुभव वाला व्यक्ति कभी रह नहीं सकता, और अनुभव की अथॉरिटी नंबर वन है। अनुभव वाला किसी के बहकाव में नहीं आ सकता। समस्या में घबरा नहीं सकता, क्योंकि मेडिटेशन से शक्ति अनुभव होती। तो मेडिटेशन की टेम्पटेशन ज्यादा अनुभव करो। बाकी प्रोग्राम तो करते रहते हो, वो तो चलते रहेंगे और चलाओ, लेकिन ये विशेष ध्यान दो, कोई भी आता है कोर्स करता है लेकिन कोर्स के बीच में अनुभव किया या सिर्फ नॉलेज ली, अनुभव जरूर करो किसी भी बात का, चाहे ज्ञान
विपद की समस्याओं को हल करने की हिम्मत आवे और धारणा की हिम्मत आवे, नहीं तो धारणा सुन करके घबरा जाते। पहले प्राप्ति सुनाओ, प्राप्ति क्या होती है? प्राप्तियों के आकर्षण से सभी शुरू कर देते, परमात्मा का परिचय भी देते हो। तो पहले प्राप्तियां क्या होती है वो सुनाओ, तो प्राप्तियों के आधार से आकर्षित होते। क्या मिलेगा, क्या बनेगा, कैसे समस्याएं आपके लिए सहज हो जाएगी, ऐसी ऐसी अनुभव की बातें सुना। आपस में मिलते हो, बाप दादा के पास रिपोर्ट आती है, बाप दादा खुश है कि ये भी संगठन में मेल होता है, ब्राह्मणों को भी रिफ्रेशमेंट।